एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था जो जीवन की चुनौतियों से अभिभूत था। एक दिन हताशा के क्षण में उसकी मुलाकात एक रहस्यवादी ऋषि से हुई, जिसने उसे एक अनोखा वरदान दिया। अर्जुन ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक पक्षी बनने की इच्छा की। यह सोचकर कि पक्षी के रूप में जीवन लापरवाह और सरल होगा, उनकी इच्छा पूरी हो गई और अर्जुन एक शानदार गरुड़ में बदल गए। सबसे पहले वह आसमान में उड़ने की आजादी का आनंद लेते थे। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि एक पक्षी के रूप में जीवन अपनी चुनौतियों के साथ आता है। भोजन ढूंढना, शिकारियों से बचना और कठोर मौसम को सहना उसके दैनिक संघर्ष बन गए। एक दिन जब वह एक पेड़ पर बैठा था, अर्जुन ने नीचे मनुष्यों के एक समूह को देखा, जिसमें उसका अपना परिवार भी शामिल था। वह उनके साथ संवाद करने, अपने अनुभवों और अपने नए दृष्टिकोण से प्राप्त ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक थे। फिर भी एक पक्षी के रूप में वह ऐसा करने में असमर्थ था। समय के साथ अर्जुन को समझ आया कि हर किसी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और संघर्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चुनौतियों से मुक्त नहीं है। वह मानवीय अनुभव की जटिलताओं और समृद्धि की सराहना करते हुए फिर से इंसान बनने के लिए उत्सुक थे। इस एहसास से प्रेरित होकर अर्जुन उसी ऋषि के पास पहुँचे जिन्होंने उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने जीवन की चुनौतियों का नई ताकत और समझ के साथ सामना करने की कसम खाते हुए विनम्रतापूर्वक अपने मानव रूप में लौटने का अनुरोध किया। अर्जुन के रूप में